फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम भारतीय कृषि का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आज हम अंतिम फसल करेंगे, वो है कहवा की, जिसे कॉफ़ी भी कहते हैं। ठीक है, जो कॉफ़ी की जो फसल है वो इथोपिया की है, जन्म स्थान इसका इथोपिया है। 11वीं शताब्दी में कॉफ़ी अरब देश पहुंची। अरब देश के बाद 17वीं शताब्दी में ये जो कॉफ़ी है ये भारत में आई थी। ठीक है, तो भारत में ये जो बाबा बुद्धन है वो कॉफ़ी को लेके आए थे भारत में। जो बाबा बुद्धन है ये एक सूफी संत थे, अरब देश से आए थे भारत में। ये अपने साथ कॉफ़ी के 7 दाने लेके आए थे, ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने कर्नाटक की पहाड़ी पे इन कॉफ़ी के बीजों को बो दिया, जिससे भारत में कॉफ़ी की फसल भी फिर होने लगी। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और इसे आगे बढ़ाया कॉफ़ी की फसल को। वैसे तो विश्व में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक ब्राज़ील द्वारा किया जाता है। लगभग विश्व की 25% जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील में होती है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत कम है, 2.5% कॉफ़ी विश्व की भारत में होती है। ठीक है, और भारत में इसकी 2 किस्में होती है कॉफ़ी की। ठीक है, तो आज हम देखो कॉफ़ी का अध्ययन करते हैं, इसे कहवा भी कहते हैं। कहवा या कॉफी, ठीक है। अब देखो जन्म स्थान क्या है इसका। जन्म स्थान है इथोपिया। इथोपिया जो देश है वो देखो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप। तो इथोपिया से देखो 11वीं शताब्दी में कॉफी अरब में पहुंची। ठीक है, फिर 17वीं शताब्दी में कॉफी भारत में आई थी। ठीक है, और भारत में देखो बाबा बुद्धन लेके आए थे इसे, बाबा बुद्धन। ठीक है, ये जो कॉफी को भारत में लेके आए थे जो बाबा बुद्धन थे, ये देखो एक सूफी संत अरब से आए थे। ठीक है, अरब कंट्री वहाँ से आए थे, अरब में ये यमन से आए थे, अरब में देश है यमन। ठीक है, यहाँ से ये भारत आए थे और कहते हैं कि ये 7 बीज लाए थे कॉफी के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कर्नाटक की पहाड़ी पे जो कॉफी के बीज थे कॉफी के बीजों को उन्होंने बोया था। ठीक है, तो यहां से फिर कृषि की, ये कॉफी की कृषि की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और जो कर्नाटक की जो उस पहाड़ी का नाम बाबा बुद्धन की पहाड़ी ही है। ठीक है, उस पहाड़ी को बाबा बुद्धन की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी हमें प्राप्त होते हैं। बाबा बुद्धन की जो पहाड़ी है वहाँ पर बहुत अधिक खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो कॉफी का जो उत्पादन है देखो भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में होता है।
कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, उसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है। यानी दक्षिण भारत में कॉफी का उत्पादन केवल दक्षिण भारत में होता है, और जो उत्तरी भारत है या पूर्वी भारत है वहाँ पर इसका उत्पादन नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें भौगोलिक दशाएं देखते हैं। उससे पहले देखो, कॉफी के जो बागान है ना, लगभग 52,000 कॉफी के बाग है। ठीक है, बाग कॉफी के बाग है, वो लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, तो अब अपने कॉफी की भौगोलिक दशाएं पढ़ते हैं। देखो, कॉफी जो पौधा है वो उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का पौधा है। भौगोलिक दशाएं, फिजिकल कंडीशन, इसमें देखो, ये जो ये पौधा है ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है ये कॉफी। ठीक है, उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। उसके अलावा देखो, इसमें तापमान, कॉफी के लिए जो तापमान है वो लगभग 15 से 18 डिग्री तापमान होना चाहिए इसमें। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस से ये 28 डिग्री सेल्सियस, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए कॉफी के लिए। और वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यानी पानी की अधिक आवश्यकता रहती है इस फसल के लिए। पानी की अधिक आवश्यकता तो रहती है, मगर जैसे कल जो हमने चाय की फसल पड़ी थी उसमें यह था कि जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, और वही कंडीशन इसकी कॉफी की है। इसमें भी क्या है, जो जो पानी है वो जड़ों में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ें क्या है, सड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, जो कॉफी का जो पौधा होता है उसे 600 से 1,000 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाता है। ढालों पे ही ये लगाया जाता है, पहाड़ियों पे, ताकि जो पानी है वो रुके ना। ठीक है, और इसके देखो, एक तो पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, ये आदि करके ये कॉफी की कृषि के लिए पाला नहीं पड़ना चाहिए, और ये अधिक धूप सहन नहीं कर सकता। अधिक धूप सहन नहीं कर सकता, इसलिए जो कॉफी का पौधा होता है ना, इसके साथ में अन्य पौधे और पेड़ भी लगाए जाते हैं ताकि उनकी छांव इसके पौधे पे बनी रहे। ठीक है, अधिक गर्मी भी इसको नहीं चाहिए, मतलब कि 28 है ना, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कॉफी के लिए हानिकारक होता है। 30 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, वो कॉफी के लिए हानिकारक होता है। इसमें मिट्टी देखते हैं, कॉफी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखो, कॉफी के लिए एक तो भुरभुरी उपजाऊ प्रवाहित भुरभुरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है।
और इसके अलावा मिट्टी के अंदर लोहांस, लोहांस की मात्रा, कैल्शियम और ह्यूमस, कैल्शियम ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए कि प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। प्रचुर मात्रा होनी चाहिए और इसमें देखो जो श्रम है, श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है क्योंकि इसमें देखो मशीनों से कार्य नहीं होता, मशीनों से कार्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फसल है वो ढलानों पे की जाती है, जो मशीनों से कार्य संभव नहीं है। दूसरा बीज, बीज बीजन के लिए बीजन हो गया, प्रतिरोपण, प्रतिरोपण छटाई और तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। श्रम की आवश्यकता होती है, मानव श्रम इसमें अधिक लगता है और मशीनों का प्रयोग इसमें होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें अपने लेंगे इसका उत्पादन और वितरण, ठीक है। उत्पादन और वितरण, उत्पादन में देखो विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील, ठीक है, 25% करता है उत्पादन ब्राजील करता है, ब्राजील, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है ये, तो ब्राजील करता है विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन। उसके बाद जो सेकेंड स्थान पे आता है कोलंबिया है, ठीक है, इसके बाद फिर जो उत्पादन करता है वो कोलंबिया करता है 15%, ठीक है, 15% उत्पादन है कोलंबिया करता है। और भारत जो उत्पादन करता है विश्व का, भारत विश्व का 2.5% कहवा उत्पादित करता है, ठीक है। तो भारत का जो है उत्पादन है वो बहुत कम है, लेकिन जो भारत की जो कॉफी की जो डिमांड है विश्व में बहुत अधिक रहती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी और उस क्वालिटी की कॉफी का उत्पादन भारत में किया जाता है। देखो दो किस्में होती हैं भारत में, एक तो है अरेबिया, अरेबिया कॉफी है, ठीक है, सेकेंड है रोबस्ता, रोबस्ता, ठीक है, इन दो जो किस्में हैं इनका उत्पादन भारत में किया जाता है, एक तो है अरेबिया कॉफी, एक है रोबस्ता कॉफी, इन दोनों का उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। और सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में, ठीक है, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ उत्पादन सबसे अधिक होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र वगैरह है थोड़ा बहुत उत्पादन छिटपुट उत्पादन है, वहाँ भी इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपने, अब वितरण देखते हैं इसका, ठीक है।
वितरण में है। सबसे पहले कर्नाटक, पहले लेते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखो, देखो यह है भारत की 72% कॉफी उत्पादित करता है, जो कर्नाटक है भारत की 72% कॉफी का उत्पादन करता है। यहाँ देखो वर्षा यहाँ होती है कर्नाटक में 125 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है, यहाँ वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है कॉफी के लिए, ठीक है। अब ऊंचाई देखो, यहाँ लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर, कॉफी के बाग या बागान स्थित है, ठीक है, इस ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ देखो दो जिले हैं इसके कर्नाटक के, कोडाडु और चिकमगलूर, कोडाडु और चिकमगलूर, ठीक है। तो ये केरल की 80% कॉफी का उत्पादन करते हैं, ठीक है। केरल के दो जिले हैं कोडागु और चिकमगलुरु, ये केरल की 80% कॉफी का उत्पादन करते हैं। इसके बाद है देखो केरल, केरल राज्य है इसके बाद, केरल जो केरल देखो यह है 20% कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। केरल में भारत की 20% कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जैसे पहले आपको बताया हुआ है कि प्री मॉनसून के समय जो वर्षा होती है जिसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक में, ठीक है, उससे क्या होता है, जो कॉफ़ी के, जो कॉफ़ी के लिए सबसे अधिक लाभकारी होती है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ केरल में 1200 मीटर की ऊंचाई पर कॉफी की फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो केरल में क्या है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर कॉफी की जो फसल है उगाई जाती है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, ठीक है, थर्ड है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में भारत की 6% कॉफी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में भारत की 6% कॉफी का उत्पादन किया जाता है और यहाँ जो उत्पादन है वो देखो अधिकतर नीलगिरी
की पहाड़ियों से होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से सबसे अधिक उत्पादन यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें महाराष्ट्र, ठीक है, ये तो हो गया है उत्पादन इसका। उसके बाद कॉफी की जो फसल है उसको उत्पादन के लिए अन्य जगह भी इसका उत्पादन किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उत्तरी पूर्वी भारत में, ठीक है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, यहाँ भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कॉफी की फसल के लिए कि अधिक से अधिक यहाँ कॉफ़ी की जो फसल है वो उगाई जाए, इससे भारत का उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो इसका है, भारत का है निर्यात, भारत की जो कॉफ़ी है वो उच्च क्वालिटी की होने के कारण देखो रूस, अमेरिका, अरब कंट्री, अरब देश, ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इराक और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इराक और यूरोप, ठीक है, यहाँ इन देशों में भारत की जो कॉफी है उसकी भारी मांग रहती है, ठीक है, उस ठीक है। तो भारत क्या करता है, अपनी दो तिहाई कॉफी का निर्यात कर देता है, ठीक है, दो तिहाई कॉफी का भारत निर्यात कर देता है, ठीक है। तो ये थी आपकी अंतिम फसल की आज कॉफी या कहवा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लेंगे, ठीक है। तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।